नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मुआइमा नगर पंचायत नाटी इमली चौराहे पर जन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर मिश्रा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष हरीश चंद द्विवेदी एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारी सदस्य भीम सिंह, अध्यक्ष फूलचंद प्रेमी, भूपेंद्र पांडे, अखिल विकल्प दूधनाथ चौहान, सदस्य मोहम्मद रिजवान एवं खेत मजदूर यूनियन के अनेक सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें बारी बारी से सभी वक्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर अपनी अपनी बात रखी। अंत में मुख्य अतिथि हरीश चंद द्विवेदी अपना भाषण देने के लिए मंच पर आए। इतने में पुलिस के द्वारा सभा को खत्म करने को कहा गया, जिसे लेकर नेताओं में आक्रोश आ गया। आपने किया था ना, इसमें इस चीज के लिए करना चाहते हैं भाई, आप इस चीज के लिए करना चाहते हैं। अभी किसानों की समस्या है, तो टाइम हो गया हमारे भाषण में। 5 मिनट है सर, 1 मिनट इस टाइम पर टाइम हो गया ना, हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समय आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम नहीं दो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको फोन दे दीजिए, बात कर लीजिए ना, यहाँ के इंस्पेक्टर है मऊआइमा के, जो हमारी मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी बाकायदे परमिशन है। केपी सिंह जी को बताइए, केपी सिंह को बताइए कि हरिचंद द्विवेदी बोल रहे हैं। हम आपको बोलने का खत्म हो जाना चाहिए ना, मैं लिखित शिकायत करूंगा आपकी। समय के पहले आप आ गए ना। आप बताया जाता है कि परमिशन दोपहर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की मिली थी। परमिशन दोपहर 2 बजे से होने से पहले ही पुलिस के द्वारा सभा को खत्म करने को कहा गया। इसी को लेकर नेताओं और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। सभा के दौरान मुआइमा पुलिस मौके पर पहुंची। नोकझोंक बढ़ते देखकर मौके पर क्षेत्राधिकारी सौरभ, थाना प्रभारी सौरभ, मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। आप करिएगा, आप ये लिख दीजिए कि साइन बाग में कोई परमिशन नहीं, आप लिख करके जो करना हो उस पे बहस न करिए। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, आपसे बहस नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। आपसे मतलब नहीं है, जो परमिशन लिया है हमसे उससे मतलब है। परमिशन लिया है हमारी पार्टी, हमारे किसान सभा ने, तो हम उसके नेता हैं। इसलिए किस तरह से प्रोग्राम आपने आज किया था? आज उत्तर प्रदेश किसान सभा की तरफ से बाकायदे SDM सोराव के यहाँ आवेदन करके एक जनसभा का परमिशन लिया गया था। हमारी सभा का आयोजन परमिशन जो प्राप्त हुई थी वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की थी, इसलिए उसी के अनुसार, परमिशन के अनुसार हमारी सभा चल रही थी। जब 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी था, तो मऊआइमा थाने के इंस्पेक्टर बाकायदे फोर्स के साथ आए और उन्होंने हमारी सभा को यहाँ डिस्टर्ब कर दिया, बिघ्न डाल दिया। मैं उस वक्त बोलना शुरू ही करने जा रहा था। 2 बजे आपको परमिशन मिला था? 2 बजे तक, 2 बजे तक हमारे बाकायदे परमिशन थी लिखित, जो मऊआइमा पुलिस को भी दी गई है और प्रशासन के लोगों को भी पूरा वो परमिशन दे दी गई। प्रशासन से आपको कहाँ समस्या आ रही है? प्रशासन से समस्या ये आई कि अभी यहाँ CO ने आकर कहा कि SDM साहब का उनको फोन आ रहा था कि सभा को समाप्त करवा दो, और यहाँ के इंस्पेक्टर साहब अब हमको ये बताएंगे कि हम क्या बोलेंगे, जो एक्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हो चुका था। टाइम हो गया था क्या? टाइम नहीं हुआ था, हमको 10 मिनट पहले ही हमारी सभा को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया, जो भी बिल्कुल अवैधानिक तरीका था यहाँ की पुलिस का, और यहाँ की पुलिस ने बिल्कुल अवैधानिक रूप से बाकायदे सभा को रोका, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम इसकी लिखित शिकायत कल इलाहाबाद के जिलाधिकारी, इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को कल हम इसकी लिखित शिकायत भी देने जा रहे हैं। आपका परिचय? हरीश चंद द्विवेदी, CPIM। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।